है खास हर अंदाज। राधा तथा बलराम के प्रश्नों का उत्तर दे, कान्हा उन्हें बताते हैं बहन एकांगा का सत्य। एकांगा हमारी बहन है। और अपने माता पिता के प्राणों की रक्षा हेतु कान्हा देते हैं अपनी बहन एकांगा को चुनौती। अब तुम मेरे मैया बाबा को तिनका भर खरोज भी नहीं लगा पाओगी, ये तुम्हें मेरी चुनौती है। गोपी, तुम्हें गजलक्ष्मी का रूप धारण करना ही होगा यदि तुम्हें शक्ति का विनाश करना है। तो तुम्हें जितना समझाना था समझा लिया, किंतु आज तुम्हारा अंत निकट है। अंत मेरा नहीं तुम्हारे इस रूप का होगा। अपने दिव्य रूप को जानने के पश्चात राधा एकांगा की नकारात्मक शक्ति ओघर का नाश करने हेतु धारण करती है गजलक्ष्मी का दिव्य। तुमने हमसे सत्य छुपाया, इसलिए हम जा रहे हैं सबको ये बताने कि हम देवी लक्ष्मी हैं। राधा कान्हा से रुष्ट हो जाती हैं और अपने ईश्वर स्वरूप का भेद करती हैं सबके समक्ष उजागर। हम ये कहना चाह रहे हैं अब हम राधा नहीं अपितु देवी लक्ष्मी हैं। सभी लोग आज से हमारी पूजा करेंगे। गोपी, ये तुमने क्या अनर्थ किया? अपने ईश्वरीय स्वरूप का भेद उजागर करने पश्चात राधा बनती है परिहास का पात्र। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। देव ने दीपावली के दिन तुम्हें लक्ष्मी माता बना दिया था, इसलिए तुम स्वयं को लक्ष्मी माता समझने लगी हो। जिससे अत्यंत दुखी हो राधा रूठकर चली जाती है। अरे गोपी! और मिल जाती है नकारात्मक शक्तियों को वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति। कान्हा की नटखट्टा से रुष्ट हो राधा ब्रजमंडल छोड़कर चली जाती हैं, जिसका लाभ उठा अलक्ष्मी, अनास्था और अशुचिता वृंदावन वासियों को भ्रमित कर उनकी आस्था और भक्ति के साथ करती हैं छल। नंदरानी, वृंदावन का सारा अनाज राख हो गया। गायों का जितना दूध मक्खन निकाला था सब काला हो गया। अब कैसे करेंगे कान्हा लक्ष्मी अवतार के बिना इनकी विपरीत शक्तियों का। एकांगा के समक्ष प्रस्तुत उसके जन्मदाता जो स्वीकार करते हैं एकांगा को अपनी पुत्री के रूप में। आज तुम्हें पुत्री के रूप में स्वीकार करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आओ पुत्री, अपने माता पिता के गले लग जाओ। तथा इस घटना से अंधिज्ञ कान्हा खोजते हैं दुष्ट हुई लक्ष्मी स्वरूपा राधा को। आत्मक शक्तियों की उमड़ी सैकड़ों भैरवी सेना का सर्वनाश करने हेतु लक्ष्मी स्वरूपा राधा धारण करती हैं धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी तथा भ्रम लक्ष्मी का रूप। और अमरता प्राप्त करने की लालसा लिए कंस स्थापित करता है एकांगा के भीतर अपने आत्म तत्व का तीसरा भाग। तुम्हारा परम शत्रु वो परम अवतार श्री कृष्ण है, जाओ मिटा दो उसे। भाई कान्हा के प्रति एकांगा को भ्रमित कर कंस करता है अपने षड्यंत्र को सफल। हे ईश्वर, हमारे कान्हा की रक्षा करना, वो एकांगा उसके साथ कुछ भी कर सकती। तुम्हारे कारण मेरे साथ अन्याय हुआ, तुम्हारे कारण मैं माता की गर्भ निष्कासित कर दी गई। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। अपने आत्मा तत्व को श्री कृष्ण में स्थापित करने के पश्चात कंस करता है उत्सव की घोषणा, किंतु कान्हा की शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा राधा का रहस्य जान कंस रचता है राधा का अंत करने का षड्यंत्र। उस कान्हा का अंत करने से पहले पूर्ण लक्ष्मी का अंत करना होगा। और यमराज के मृत्यु पाश से नचिकेत के प्राणों की रक्षा कर नई व्यवस्थाओं की स्थापना करते हैं परम अवतार श्री कृष्ण। प्रणाम यमदेव, आप मेरे पुत्र नचिकेत को दान में स्वीकार कीजिए। मैं ये दान स्वीकार करता हूँ। है जाइए यमदेव, ये अनुचित है। समाज की रूढ़िवादी प्रथा को चुनौती देने के लिए श्री कृष्ण करेंगे मृत्युदाता यमराज के मृत्यु पाश से बालक नचिकेत के प्राण। नचिकेता को न्याय दिलाने हेतु श्री कृष्ण करते हैं महाक्रोधी ऋषि वाजश्रवा का प्रतिरोध। आपको ये बताने आया हूँ कि आप पिता बनने के योग है ही नहीं। बस बालक, इसी वक्त मैं तुम्हें शाप देता हूँ, पलक झपकते ही तुम जलकर भस्म हो जाओगे। देवी लक्ष्मी की धरती पर उपस्थिति से चिंतित कंस जाता है चेताने देवी के ही पूर्व अपराधी मकड़ासुर को। वो लक्ष्मी मनुष्य रूप में संसार में है। लक्ष्मी, आ रहा हूं मैं अपना प्रतिशोध लेने। अनभिज्ञ पिंड की पुकार से जुड़ा है कंस की मृत्यु का रहस्य। उस पावन स्थान के मिलने का अर्थ है कि कंस के अंत का समय अब निकट आ चुका है, जिसे साकार करेंगे श्री कृष्ण। क्या गोपी, हे खगमृग,
हे मधुकर सैनी। गोपी, मुझे लगता है कि कंस मामा कोई खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वो सदैव गड़बड़ करते ना, इसलिए लगता है उन्होंने किस असुर को भेज दिया है यहाँ पर तुम्हें भ्रमित करने के लिए। नहीं ग्वाली, हमें असुरों की भली भांति समझ आती है। ये कोई असुरी काल नहीं, ये कोई और है। कोई है जो करुणा और दुख में है। ये जिस भाव में गा रही थी उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों से कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो भी एक बार न बताना, क्यों क्या गा रही थी? हे खग मृग, हे मधुकर सैनी। हे खग मृग, मधुकर सैनी। गोपी, मैया सुनाती थी मुझे ये पंक्ति, रामायण में लिखा है ये। गोपी, मुझे सब समझ में आ गया, चलो मेरे साथ। ग्वाली, कहाँ ले जा रहे हो? मैं स्वर तो यहाँ से आ रहा था। गोपी, चलो मेरे साथ, प्रश्न मत करो, चलो गोपी। नहीं 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 भद्राक्ष, ये किसी भक्त की पुकार नहीं है, वो रहस्य है। जो उस लक्ष्मी की शक्ति के साथ जुड़ा है, इसीलिए तो पृथ्वी पर आई है वो। वही तो भेद है इस माया के पीछे, इस पहेली के पीछे। इस रहस्य को सुलझाने से पता चलेगा उस लक्ष्मी का उद्देश्य। वाले, हमें भी तो बताओ कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? कुबेर पुत्र माणिक। हाँ देवी, संसार में किसके पास कितना धन, ये सूचना प्राप्त करना मेरा अधिकार है। तुमने अनाधिकार यहाँ प्रवेश किया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। स्वयं के मकरासुर बनने का प्रतिशोध लेने हेतु लक्ष्मी स्वरूपा राधा का अंत करने के लिए वृंदावन पर करता है आक्रमण। किशन तो तुम्हारा दोस्त है ना, फिर दोस्ती के नाम पे धोखा देने में शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखों के साथ साथ अपना मुंह भी बंद करो। सीए का बच्चा यहाँ आ ही नहीं पाएगा, बहुत अच्छा इंतजाम किया उसका। क्या? तो पहली बोली 4 करोड़ से शुरू होगी। 4 करोड़ 50 लाख। 4 करोड़ 50 लाख दो 10 करोड़। तुम मेरे उठने से पहले उठो, मुझे उठते ही हर चीज तैयार चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा पुष्कर जी। डॉक्टर, मुझे आपसे घर भेजने का आइडिया तो मेरा था। What? मैंने ही धोखे से बनारस वाले घर के पेपर्स पर उस सीनियर गवार के अंगूठे का निशान लिया था। आप इसे टेस्ट कीजिए कि ये वाकई में अखिलेश का ही सैंपल है। ये सैंपल अखिलेश का ही है। आपने सारे टेस्ट तो कर लिए ना? टेस्ट तो हो चुके, लेकिन एक बड़ी खबर है। आज तेरी पहली रसोई है, तुझे सबके लिए कुछ मीठा बनाना होगा। ताई, वो कौन सी सीक्रेट रेसिपी है जिससे आप इतना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो? बचपन में हलवा में आई साबुत चीनी के बजाय पीसी हुई चीनी मिलाती थी। बिल्कुल वैसी ही चीनी मैंने वहाँ किचन के कैबिनेट में रखी है। आज नई बहू ने सबके लिए हलवा बनाया है। अब देख बीवी नंबर 1। हम गुजराती भी नहीं है, प्योर बिहारी। फिर तो तुम मुझे भूल जाओ। वो मेरी शादी एक गुजराती घर में ही कराना चाहती है, क्योंकि उन्हें यूपी और बिहार के लड़कों से सख्त चिढ़ है। इतना बड़ा झूठ हम काहे बोलेंगे? अरे लेकिन लड़की की अम्मा कट्टर गुजराती है ना, उनको उत्तर भारतीयों को अपनी लड़की नहीं देनी है। हम बिहारी हैं, बिहारी थे, बिहारी रहेंगे। अब हम लिट्टी चोखा छोड़कर हमको ये खाखरा वगैरह थोड़ी खाएंगे।